नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है सागर ऑन यूट्यूब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना रहा हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है कि जो ये ड्राइवर साइड के विंडो में ये जो बटन्स है इसका यूज़ क्या क्या है। मतलब अगर छोटे बच्चे रहेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है। तो इससे आप क्या क्या कर सकते हो? इससे आप मिरर ओपन कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो, चाइल्ड लॉक कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये देख लीजिए। अभी अगर मैं ये बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे मिरर बंद हो जाएंगे। ये रेनॉल्ट ने ये ऑप्शन दिया है, ये ऑटोमेटिक ओपन नहीं होते। नॉर्मली गाड़ियों में क्या होता है, अगर आप की से गाड़ी अनलॉक करोगे तो मिरर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, लेकिन रेनॉल्ट ने अपने टॉप एंड मॉडल में ये ऐसे ऑप्शन दिया है। इससे आप लेफ्ट और राइट मिरर एडजस्ट कर सकते हो और ये नॉब उसके लिए यूज़ है। ये जो दो बटन्स हैं इससे आप अगर भी आप देख सकते हैं, इससे ड्राइवर साइड विंडो ओपन और क्लोज कर सकते हो। अभी मैं दूसरे बटन से आपको ये देख लीजिए, और ये जो बाकी दो बटन है इससे आप रियर साइड के मिरर ऑपरेट कर सकते हो। ये बटन सबसे इम्पोर्टेंट लगता है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। इससे आप मतलब जो भी आपके मिरर है उसको लॉक कर सकते हो। अभी अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैसेज आ गया, रियर इलेक्ट्रिक विंडो लॉक्ड। मतलब अभी पीछे जो भी आपके अगर छोटे बच्चे हैं वो अगर बैठे हैं तो उसको ओपन नहीं कर सकते। अभी मैं फिर से ये बटन को अगर प्रेस करूँगा तो आप देख लीजिए, इसमें ऑप्शन आ गया, रियर इलेक्ट्रिक विंडो अनलॉक। मतलब अभी कोई पीछे का जो पैसेंजर बैठा है वो उसको अनलॉक कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। मतलब एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मेरे छोटे बच्चे हैं तो वो कभी भी विंडो ओपन कर देते हैं, तो इसलिए ये फीचर बहुत ही ज़्यादा और अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे है जो सेंट्रल स्पीड लॉकिंग, मतलब ये एक पर्टिकुलर स्पीड में जाके ऑटोमेटिकली गाड़ी लॉक हो जाती है। तो ये मतलब किसी किसी को अच्छा लगता है ये पोजीशन, क्योंकि यह अगर ये ऑन है तो कोई भी डोर ओपन नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, अभी मैंने लॉक किया है, तो मैं अनलॉक कर देता हूँ। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। और ये अगर इनकेस आपका कोई डोर ओपन है तो आपको यहाँ पे अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे नोटिफाई कर देना। अभी अगर मैं ये डोर ओपन रख देता हूँ तो आप देख लीजिए, यहाँ पे वो शो कर रहा है कि डोर ओपन है आपका। अगर मैं इसको ओपन करके क्लोज कर दूंगा तो वो सिंबल निकल जाएगा। तो ये रेनॉल्ट का काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन है। और रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरा एक डोर ओपन था, बच्चे ने गलती से ओपन रखा था, तो मुझे वो बज़र मतलब एक बीप आ रहा था। तो मैंने देखा, तो मैंने चारों डोर चेक किए तो मुझे मालूम पड़ा कोई तो भी एक डोर ओपन है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।